अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन है जब आप उन लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं जिनसे आपको कुछ खास सीखने को मिला है। जिनके लिए आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं, वो स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक, ट्रेनर से लेकर कोच तक, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि इस दिन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। पर हम ये नहीं जानते कि सिर्फ उन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और इतिहास में वो कौन सा किस्सा हुआ था जिसके बाद से 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको टीचर्स डे की पूरी कहानी बताऊंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षक और महान फिलोसफर थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वे 40 वर्षों तक शिक्षक रहे। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को सर्वपल्ली नाम उनके पूर्वजों से मिला, क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम भी जुड़ा रहे। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी फाउंडेशन लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी करी। राधाकृष्णन को अपनी एकेडमिक लाइफ में कई स्कॉलरशिप से नवाजा गया और इन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। राधाकृष्णन ने फिलॉसफी का कोर्स खुद से नहीं चुना था और ना ही उनका इस फील्ड में कोई खास इंटरेस्ट था। हुआ ये था कि उनके कजन ने हाल ही में सेम कॉलेज से फिलॉसफी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी और उन्होंने कोर्स खत्म होने के बाद अपनी किताबें राधाकृष्णन को दे दी। इन किताबों के मिलने पर ही उन्होंने तय करा कि वे आगे की पढ़ाई फिलॉसफी के क्षेत्र में ही करेंगे। उस समय पर मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर क्रिश्चियन प्रोफेसर्स हुआ करते थे और वो अक्सर हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया करते थे। राधाकृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वे अक्सर इंडियन फिलॉसफी और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ सकते थे। पर जिंदगी में कभी भी उन्होंने किसी और इंस्टीट्यूशन या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 16 वर्ष की उम्र में शिवकमू नाम की एक लड़की से शादी करा दी गई थी। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल से फिलॉसफी पढ़ानी शुरू करी और यहीं से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ माइसोर में फिलॉसफी पढ़ाने गए। साथ ही में इस वक्त जो आर्टिकल्स वे लिखते थे वे इंटरनेशनली पढ़े जाते थे और दिन पर दिन वे फिलॉसफी के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी जिनमें से एक किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये किताब पूर्ण रूप से भारतीय स्पिरिट को दर्शाती है। इसके अलावा कई बार उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए भी इनवाइट करा था। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी दुनिया को ही एक विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही इंसान के दिमाग का सही प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने अपने लेख और भाषणों के जरिए भारत की फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारी दुनिया में उनके लेखों की काफी प्रशंसा की गई है। इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, जहां वो हमेशा इंडियन स्पिरिट और इंडियन कल्चर की रक्षा करते हुए सामने आते थे। वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से यूनिफॉर्माइज वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के कल्चर को दबा रहा था। इनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वे 1962 में भारत के प्रेसिडेंट थे तो उनके कुछ दोस्तों और स्टूडेंट्स ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति ली। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन जश्न सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तब देश भर में 5 सितंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे मनाया गया था। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का कहना है कि हम जब तक जिंदा हैं, हमें तब तक जहां से मिले ज्ञान बटोरते रहना चाहिए। इस बात को एक महान फिलोसोफर ने इस तरह समझाया, एक बार एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने टेबल पर एक किताब रखी हुई थी। इस पर उन्होंने बताया कि अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस किताब को नहीं पढ़ेगा तो उसमें और जो नहीं पढ़ सकता उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए जिस तरह से भी जहां से भी ज्ञान मिल सके ले लेना चाहिए और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
टीचर्स डे का एक स्टूडेंट और टीचर की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में एक अनुशासन होता है, लेकिन इस दिन स्टूडेंट्स अपनी टीचर को खुलकर बताते हैं कि वे उनके लिए कितने स्पेशल हैं। जहाँ टीचर्स डे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं बाकी देशों में इस दिन को 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीचर्स डे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।